गुड टू सी यू विधि जी, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। बताइए कितनी लाइफ कितनी चेंज हो चुकी है आफ्टर बिग बॉस के बाद? Definitely change हुई है and it's changed for good. Lot of eyeballs, I meet a lot of people now. काफ़ी जगह पे जाती हूँ, लोग पहचानते हैं या ऑडिशंस के लिए ज़्यादा कॉल्स आते हैं. सो आई थिंक एवरीथिंग इज़ ऑन द पॉजिटिव साइड. सो तकरीबन किस तरह के किस तरह की प्रोजेक्ट के लिए आपको ऑफर आ रहे हैं आने वाले दिनों में? हम किस तरह की फिल्में देखेंगे आपको, या सीरीज, शॉर्ट मूवी, एनीथिंग? I don't know sir ki what is stored in for me, because I'm just you know meeting people or giving auditions and all of that. Abhi as such kuch finalize nahi hua, because I don't know how many of you know, but jab tak Big Boss chal raha hai I can't pick up any project, because that's the contract that I am in. Oh. So but yeah, hopefully something nice. इसका मतलब ये कि हम आपको शायद बिग बॉस के घर में अगेन देखेंगे, क्योंकि कांटेक्ट है, तो आपको बुला सकते हैं? नहीं सर, मुझे लगता है अभी बहुत लेट हो गया है. नाउ आई थिंक द शो इज़ जस्ट अबाउट टू एंड एनी टाइम सून. आई डोंट नो कितने हफ्ते बचे हैं, बट आई थिंक इट्स यू नो टूवर्ड्स द एंड. तो अभी जाने का कोई मतलब नहीं है, एंड आई डोंट थिंक नाउ मेकर्स आर ऑल्सो थिंकिंग ऑफ एनी वाइल्ड कार्ड्स, बट आई लव टू गो एज अ यू नो गेस्ट इन द शो. बहुत दिनों से नहीं देखा है, बट माई फेवरेट आर करण, उमर एंड तेजस्वी, एंड आई एम रूटिंग एंड सपोर्टिंग फॉर देम. तीनों में से कोई भी, आई थिंक तीनों काबिल हैं. कुछ फाइटें भी हो रही हैं बिग बॉस के घर, उसे कैसे देखती हैं आप? लड़ाई झगड़े तो ऑब्वियस होंगे, क्योंकि जब 10 अलग दिमाग आएंगे तो लड़ाई झगड़े तो होंगे, बिकॉज हर किसी को अपना पॉइंट प्रूफ करना है, एंड हर किसी को यू नो वो बिलीव करवाना है लोगों को जो वो मानते हैं सच है. तो आई थिंक व्हेन देयर आर 10 माइंड्स, दिस इज़ वेरी नॉर्मल टू हैपन, लड़ाई झगड़े. सो दैट्स द शो. शातिर कौन है लाइक बिग बॉस के घर में, कि ये बहुत अच्छा, यहाँ भी है वहाँ भी, सब कुछ बहुत अच्छा, ऐसे बहुत ही शातिर है? बट आई से इट इन अ गुड वे, आई डोंट से इट कि ये डबल ढोल की है. नो, आई एम सेइंग इन अ एक्सट्रीमली गुड वे, लाइक आई वुड से द माइंड गेम, लाइक इन अ गुड वे. आई थिंक करण. तो किसे आप सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा खेल रहे हैं, आई थिंक ये विनर भी हो जाएंगे, आपके अनुसार? लाइक आई जस्ट सेड ना कि ये तीनों में से कोई भी नहीं, तीनों में से कोई भी. कोई भी. ऑलराइट. एंड क्रिसमस भी है, तो अगर आप बता सके कि क्रिसमस की क्या कुछ प्लानिंग होती है विधि जी की तरफ से, एंड क्या कुछ इस बार क्या कुछ प्लानिंग है क्रिसमस की? लेटली तो नहीं एज सच मनाया है मैंने क्रिसमस, बट दिस क्रिसमस आई एम ट्रैवलिंग समवेयर, तो देखते हैं मतलब मेरा क्रिसमस कैसा होता है कि बट वेयर आई एम गोइंग वहाँ पे बहुत ठंड होने वाली है, एंड इट्स गोइंग टू बी ग्रेट एटमोसफेयर. आई थिंक डिसम्बर एंड विंटर्स, सॉरी डिसम्बर एंड क्रिसमस आर ऑल अबाउट विंटर्स, तो वो फील मुझे मिलेगी. एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी ग्रेट, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी होमली, इट्स गोइंग आई एम गोइंग टू बी एट होम. एंड न्यू ईयर्स तो मैं एक्चुअली बॉम्बे में अपने घर में हूँ अपने फैमिली के साथ, तो आई थिंक कोविड के केसेस भी वापस बढ़ रहे हैं, तो आई थिंक वी शुड बी अ लिटिल रिस्पॉन्सिबल, एंड हमें हम जहाँ भी जा रहे हैं जो भी कर रहे हैं, आई थिंक वी शुड नॉट फॉरगेट टू कीप आवर मास्क अप व्हेनेवर वी कैन, एंड जो भी जो दूसरे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हमें सबको पता है, हम 2 साल से वो फॉलो कर रहे हैं. सो आई थिंक वी जस्ट हैव टू यू नो टाई आवर शूलेज अ लिटिल मोर टाइटली.